6 जुलाई को ग्राम कोटवार एनएस दिनेश चौकीदार ने रिपोर्ट की कि ग्राम एनएस में सुभाष कोडले के खेत में गन्नाबाड़ी के अंदर हमारे गांव का जमाई अरविंद डेगरासे का शव मिला है। शव में सिर, शरीर और पैर में चोट के निशान है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अरविंद डेगरासे को लाठी डंडों से मारा है, चोट पहुंचाई है और हत्या करके लाश छुपाने की कोशिश की है। इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर देहाती नालसी अज्ञात आरोपियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा जल्द ही खुलासे की बात कही गई है। आपको बता दें कि आरोपी युवराज कोडले, शिवचरण कोडले और राहुल कोडले को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लठ बरामद कर लिया गया है। आरोपी भोजू कोडले और निक्की कोडले की तलाश की जा रही है। कार्रवाई में SDOP मुल्तानी सुश्री नम्रता सोधिया के नेतृत्व में निरीक्षक संतोष पदले, थाना प्रभारी आमला, साथ ही ML गुप्ता, गंभीर सिंह आदि लोग शामिल थे। कल दिनांक को थाना आमला में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम एरस में सुभाष कोडले के खेत में एक मृतक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी आमला और मैं रवाना हुई। उसके पश्चात सिविल पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मृतक की जो बॉडी है उसका निरीक्षण किया गया। FSM टीम को भी बुलाया गया तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि हत्या है। जब घटना की तस्दीक आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आए कि मृतक जो है उसकी पत्नी का घर एनएस गांव में है और वो अपने गांव में आई हुई थी। इनकी आपस में बहुत दिनों से झगड़ा विवाद चल रहा था, जिसका कुछ दिन पूर्व, लगभग एक हफ्ते पूर्व, बैतूल बाजार थाने में FIR भी दर्ज हुआ था। उसके बाद ये कल पुनः मृतक अपनी पत्नी के घर ग्राम एनएस में पहुँचा और इससे झगड़ा विवाद करने लगा, जिस पर उसके पत्नी के भाई और मामा युवराज, शिवराज और राहुल ये पहले से ही रोष में थे और जब इसने पत्नी से विवाद किया तो इन्होंने रोष में आके उसकी लठ से पिटाई की और ले जाके उसको सुभाष कोडले के खेत में डाल दिया, जिसमें दो लोगों की और इन लोगों ने आरोपियों की दो लोगों ने और मदद की। इस तरह बहुत ही नृशंस आरोपियों के द्वारा मृतक की हत्या की गई।